हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्त, आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कितने खतरनाक पानी बना हुआ है। देख रहे हैं, इस तरह से आपके भी लोग को साथ होता होगा। ऐसा नहीं हमारे ही साथ हुआ है। अगर प्रॉब्लम है तो एसी में से अगर पानी गिरता है, एक जगह से पानी गिरता है। आप लोग देखते हैं, अगर एसी से पानी आ रहा है तो एक जगह से आ रहा है। ये देख रहे हैं, मास्टर्स टाइप का है, पूरे चारों तरफ से आ रहा है। देख रहे हैं कितना डेंजरस पानी का बूंदा बना हुआ है। इसी तरह से बन जाता है तो प्रॉब्लम क्या है, वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे नए जुड़े होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम बात करेंगे इससे। अगर आपके लोग के साथ भी इस तरह का अगर पानी आ रहा है, अगर ड्रेन से पानी आ रहा है तो समझिए एक जगह पानी गिरेगा, ज़्यादा पानी गिरेगा। इस तरह से मास्टर बन के नहीं दिखेगा, जैसे अभी आपको मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पानी का बूंद बना हुआ है। एक क्यों बनता है, क्यों बनता है, आज हम जानेंगे एक क्यों बनता है, किन किन कारणों की वजह से बनता है इस तरह का पानी का बूंद आती है। ये पानी का बूंदें इस तरह से आती है, कभी कभी क्या होता है, ये बाहरी हवा पा जाता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे जहाँ कैसेट एसी लगा है वहाँ कोई बड़ा होल हो और बाहरी हवा आ रहा हो। देखिए हवा भी आ रहा है, फर्स्ट क्लास की कूलिंग कर रहा है, एकदम मस्त हवा आ रही है, चिल्ड चिल्ड हवा आ रही है। तो अगर बाहरी हवा कोई होल खुला हो तब इस तरह का पानी आता है, लेकिन इसमें तो कोई बाहरी हवा नहीं खुला हुआ है, एयर रिसेशन पे लगा हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम कुछ और है। तो अभी आपको हम दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है और क्यों ऐसे हो रहा है। अगर इस तरह से हो तो आप भी इससे करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो हम अगर बाहरी हवा खुला हो तो सबसे पहले वो चेक कर लेंगे, कहीं बाहर का हवा तो नहीं एसी पा रही है। अगर बाहरी हवा पा रही है एसी तो भी इस तरह का दिक्कत आती है, पूरे बॉडी पे पानी आती है। एसी के जहाँ पीसीबी लगा होता है उसके साइड साइड मॉइस्चर बनाता है तो इस तरह का दिक्कत होता है। और सबसे उसके बाद क्या दिक्कत होती है, जैसे एसी गंदा हो तो हमारा यहाँ पे वही प्रॉब्लम है। अभी दिखाते हैं आपको, एसी का कूलिंग कॉइल बहुत ज़बरदस्त गंदा है। देखिए चल रहा है, कूलिंग कर रहा है और हवा भी दे रहा है, लेकिन अच्छे से हवा नहीं दे रहा है। और जब अच्छे से हवा नहीं देगा ना तो कूलिंग कॉइल पर से छींटा आएगा, और जब अच्छे से हवा नहीं निकलेगा तो पूरा मॉइस्चर बनाएगा। तो एसी कोई भी आप देखते होंगे, अगर स्प्लिट एसी भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, आप देखे होंगे स्प्लिट एसी बहुत ज़्यादा गंदा जाता है, हवा देता फर फर करके, आवाज़ करके हवा देता है। हम लोग क्या करते हैं, एसी को पंप से साफ़ करते हैं, अगर उससे नहीं साफ़ होता है तो एसी को उतार लेते हैं। ये तो हमारा वीआरएफ एसी है, ये तो हम उतारेंगे नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरा अच्छे से इसका ऑपरेशन करेंगे, पूरा बढ़िया से इसका ऑपरेशन करेंगे। पुर्जा सब खोलेंगे, कूलिंग कॉइल लगा रहेगा, मोटर वोटर खोल के निकाल लेंगे और इसका ब्लोवर निकाल लेंगे, सारा सामान निकाल लेंगे। और अभी तो हम पंप नहीं लाए हैं, तो इसका मेन प्रॉब्लम वही है, कूलिंग कॉइल बहुत ज़बरदस्त गंदा है। और एक कूलिंग तो कर रहा है, काम तो कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वही है, जब कूलिंग कॉइल गंदा होता है तो ब्लोवर पानी उठाकर फेंकता है बाहर की तरफ। तो आप देखे होंगे डक्टेबल एसी में भी अगर गंदा हो जाता है पानी, कूलिंग कॉइल, तो उसमें भी पानी का छींटा आने लगता है। कूलिंग कॉइल का अगर फिल्टर ही बहुत ज़बरदस्त गंदा हो जाता है डक्टेबल ऑक्टेबल का, तो जहाँ से हवा फेंकता है वहाँ पानी का मास्टर पूरा आ जाता है। तो टेंशन लेने की नहीं, हम इसको पुछवा दे रहे हैं और इसको खूब अच्छे से जॉकेट पहना के जब तक गंदगी गिरेगा तब तक पानी मारेंगे और चारों तरफ कॉइल में पानी मारेंगे। पूरा आर पार कॉइल जब तक दिखे ना तब तक हम पंप से एकदम बढ़िया से साफ करेंगे। जब आर पार कॉइल दिखने लगेगा तो समझ जाइए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो कभी आप लोग के साथ अगर इस तरह का हरकत हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और वीआरएफ एसी में एक चीज़ और ध्यान देंगे हम, अगर हमारी ईवी खुला रहेगा तभी भी इसी तरह से पानी आने लगता है, पीसीबी हमारी पूरा पानी हो जाता है। जैसे मान लीजिए ईवी खुला हो और पीसीबी अचानक ख़राब हो जाती है तो हम लोग एसी का लाइन कट जाता है चालू हालत में, तो क्या होता है, उसमें जो एक्सपेंशन वाल्व होता है वो खुला रह जाता है, पूरा गैस रनिंग करती है कूलिंग कॉइल में,
और जब कूलिंग कॉइल में गैस रनिंग करेगी और एसी चलेगी नहीं तो क्या होगा, पानी ज़बरदस्त बनाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो पानी ज़बरदस्त बनाएगा और पानी इसी तरह से आएगा जैसे आप देख रहे हैं। आप अगर बीआरएफ का काम करते होंगे तो कोई ईवी खुला रहता होगा तो आप खुद जाते होंगे स्प्लिट एसी पर भी, तो उस पर भी देखते होंगे पूरे बॉडी पे मास्टर का पानी आ रहता है, ठीक है ना। प्रॉब्लम यही है, बाकी हम सर्विस करेंगे उसका अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो देखे हैं कैसे दिक्कत थी, कैसे प्रॉब्लम थी इस एसी में, तो अब हम इसका अलग वीडियो दिखाएंगे, हम इसको सर्विस कैसे करेंगे हम, तो उसका अलग वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि आप लोग को ये प्रॉब्लम इसलिए बताया गया, कभी भी आप लोग के साथ ऐसा हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे बताए हैं वैसे कर दीजिए। बाकी इसका हम पूरा ऑपरेशन करेंगे आईसीयू में ले जाके, तो उसका ऑपरेशन का वीडियो हम आपको पूरा अलग वीडियो बना के दिखाएंगे। अगर वीडियो से हमारे कुछ सीखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे हम दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।